साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉक में। आज हम साइंस टॉक में यूपीपीसीएस में 2017 में इन्वायरमेंट सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे देखेंगे उनको हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा कि जो आपका ऑप्शन देख लेते हैं 7 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, 5 माइक्रोन से अधिक, ये सब अधिक वाले हैं। तो देखिए पहले ये कोरिलेट कर रहा है कि भाई अधिक वाले तो कभी होंगे नहीं, होगा तो क्या कम वाला ही होगा। बट आपको पता है कि जो 5 माइक्रोन से कम होते हैं, मतलब 2.5 माइक्रोन से, जो 5 माइक्रोन के जो कण होते हैं, इस बीच के जो कण होते हैं, ठीक है, 2.5 से आपके 5 माइक्रोन तक के, तो इसके जो कण होते हैं वो हमारे जब नेजल चैम्बर में जाते हैं, आपको पता है कि हमारे जो नाक के अंदर बहुत से छोटे छोटे बाल होते हैं, इसमें नेजल, इसमें हमारे कह सकते हैं कि बीच में नेजल सेप्टम होती है, ठीक है, और इससे एक लिक्विड सिक्रीट होता है, नेजल लिक्विड कह सकते हैं, जो कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो इसमें आराम से निकल जाते हैं, ठीक है, बट अगर 2.5 से 5 माइक्रोन के बीच के अगर पार्टिकल है तो उसको आराम से ये ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो अब होता ये है कि अब कह रहा है कि हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना, तो जो सूक्ष्म कणों का आकार होगा वो 2.5 से इतना होगा जिसको हम ट्रैप नहीं कर पाते और जो कि हमारे हार्मफुल के, हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल होता है और बहुत से डिजीज को वो कॉज करता है। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है, कि इसका जो आकार जो होता है वो 5 माइक्रोन से कम होता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला हो रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, कहीं से भी, भारत ही नहीं, किसी भी देश में अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो वहाँ सामाजिक तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है जब जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत सारी बाढ़ आएंगी, महामारियां आएंगी, तो बाढ़ आएगी, महामारियां आएंगी, इसके साथ साथ जो पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी, इसके साथ साथ जो भी आप कह सकते हैं कि एनिमल्स हैं, हमारे पेट एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको भी बहुत से हार्मफुल या हैजार्डस इफेक्ट पड़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन तो भुखमरी छाएगी, भुखमरी छाएगी, कैसे छाएगी? क्योंकि आपको पता है जलवायु परिवर्तन होगा तो जो भी हमारे प्लांट्स हैं या जो भी हमारे फूड सबस्टेंसेज हैं उनकी पैदावार कम होगी। जब पैदावार कम होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे भोजन के लिए, जब आपस में भोजन के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे, तो साधारण सी बात है वहाँ सामाजिक तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा कह रहा है मौसम की, मौसम है ये, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब मौसम, जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बार बार हमारे फ्लड आएंगे और भी चीज़ें होंगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, कह सकते हैं कि सूखा पड़ेगा, तो इससे खाद्य सुरक्षा पर तो गंभीर इफेक्ट पड़ेंगे ही, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ए जो है आर का बिल्कुल ही सही कह सकते हैं कि इसका कारण है, तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए हम अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में सीमित राष्ट्र, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित हो जाएगा, यहाँ पे स्थापित है, सॉरी, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता है भारत में जो स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, हम इसी को बोलते हैं। और हाँ याद रखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। जब 36 में हुई थी उसमें इसका नाम था हैले राष्ट्रीय उद्यान। क्या था नाम था इसका? हैले राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? हैले राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और भी अगर उद्यानों को देखना हो तो चंदौली आपको पता है, ये आपका चंदौली में है, दुधवा आपको पता है, कहाँ है, गिर गुजरात में, सब देख लीजिएगा आप, ठीक है। आई टू द पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा जीव के जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है? देखिए पहला कह रहा है जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य, ठीक है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, ठीक है। भूदृश्य देखिए, अब आपको पता है भूदृश्य एक स्पेसिफिक के लिए, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि भूदृश्य सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले हमारा क्या चाहिए? जनसंख्या आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या का मतलब ये होता है जब एक ही स्पीसीज की या एक ही जाति की, जाति कहने का मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं है, जाति का संबंध से मनुष्य जाति हो गई, ठीक है, मनुष्य एक जाति हो गए। इस तरह मान लीजिए एक प्लांट की जाति हो गई, ठीक है, एक शेर की जाति, वो जाति उसको बोलते हैं, ठीक है, थीके? हमारी बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब एक ही जाति के दो या दो से अधिक लोग आपस में पास आ जाते हैं तो उनको कहते हैं, हमारी वो क्या है? जनसंख्या हो गई, ठीक है। जीवधारियों की जो संख्या होती है जब ज्यादा, उसको जनसंख्या। और जब जनसंख्या बनती है लोगों की, तो एक समुदाय को बनाते हैं,
बनाएंगे, समुदाय। तो जनसंख्या से समुदाय, तो ये पारिस्थितिक तंत्र तो होगा नहीं, तो जनसंख्या समुदाय, तो ये वाला ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है, सी वाला। जनसंख्या से क्या समुदाय बना, और बहुत सारे जब समुदाय, बहुत सारे जीवों के समुदाय आपस में, तो पारिस्थितिक तंत्र बनाएगा, और पारिस्थितिक तंत्र आपका भूदृश्य बनाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक बहुत सारे सेम जाति के लोग हो जाएंगे तो एक जनसंख्या बनाएगा, और जनसंख्या आपस में मिलते हुए एक समुदाय बनाएगा, और समुदाय मिलकर क्या बनाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र क्या बनाएगा आपका, एक डिफरेंट डिफरेंट पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक भूदृश्य बनाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम उल्टा देखना चाहते भूदृश्य भूदृश्य, केवल यही दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, ठीक है। देखिए दोनों में, क्योंकि भूदृश्य सबसे बड़ा होगा, तो इन दोनों को तो पहले एलिमिनेट कर देते, तो ऑप्शन देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। जनसंख्या दोनों में, अब आप थोड़ा खुद देख लीजिए, समुदाय पहले आएगा, पारिस्थितिक तंत्र आएगा पहले, तो आपको पता समुदाय पहले आएगा ना, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा तंत्र सही समय लेता है, कौन सा है इसमें सही समय लेता है। पहला कह रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से निकलता होगा, हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेतों से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टों से निकलता है। अब कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा, चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये आपकी गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस है। और ये कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट, आपको पता है जहाँ पे भी हमारे जो अभी भी कह सकते हैं पावर सोर्सेज हैं, वहाँ पर थर्मल मतलब कह सकते हैं हीट से जो हम हीट से पानी गर्म करेंगे, पानी से टर्बाइन घूमेगा, टर्बाइन से हमारी जब चलेंगे तो शाफ्ट घूमेगा, और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट होगा वहाँ पे हम कोयले को जलाएंगे, और जब कोयले को जलाएंगे तो CO2 भी निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पहला हमारा सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये एक ऐसा कह सकते हैं कि CFC बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ, कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसे गैसेज हैं जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर, कहाँ से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, प्रियॉन गैस होती है रेफ्रिजरेटर में, इसके बाद AC में जो हम एज अ कह सकते हैं कि कूलिंग एजेंट यूज करते हैं, वहां पे आपका CFC यूज होता है। तो ऑटोमोबाइल नहीं, गलत है आपका ऑप्शन, ठीक है। आइए और भी आगे ऑप्शन देख लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अब तक दूसरा ऑप्शन यही गलत है, पहला तो सही है। नाइट्रस ऑक्साइड धान के जलमग्न खेतों, बिल्कुल है, जो धान के जो जलमग्न खेतों होते हैं उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल निकलता है, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एजोला हो गया, बहुत सारे होते हैं ये, वहां पे कुछ ऐसी प्रोसेस करते हैं, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, तो सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टों से, आपको पता है कि वहां पे भी कोयले कोयला वगैरह जलाया जाता है, जहाँ कोयला जलेगा वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगी, तो ईंट के भट्टे वगैरह में भी, ये भी सही। ऑप्शन कौन सा गलत था हमारा, सी, सॉरी सी नहीं, बी। आई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, पारा नहीं, पारा होता है, ठीक है। अब देखिए जो पारा, आपको पता है पारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक ऐसा एलिमेंट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एक ऐसी धातु है, पारा या है एक धातु, एक एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट तो सारे होते हैं, एक धातु है, मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल होता है। आपने इसको थर्मामीटर में देखा होगा, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपकी लिक्विड रहती है, यानी कि ब्रोमीन, क्या होती है, ब्रोमीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है। एक ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे भी ये आपके लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पारा क्या हो जाएगा, पारा से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, पारा से आपको तो मिनीमाटा रोग, ठीक है, पारा से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए दूसरा कह रहे कैडमियम, बिल्कुल सही बात है, कैडमियम से आपका इटाई इटाई रोग ही होता है, ठीक है। नाइट्रेट आयन, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रेट आयन की जब अधिकता हो जाती है पानी में तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। फ्लोराइड आयन से अपच, नहीं, फ्लोराइड आयन से अपच के बारे में कुछ अभी तक नहीं पता लगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फ्लोराइड आयन जो होता है वो जो आपकी टीथ होती है, तो दांतों में जो कैविटीज लग जाती है इनकी कमी से, उसके लिए फ्लोराइड आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, अपच के लिए नहीं, या फिर हड्डियों के लिए कह सकते हैं, फ्लोराइड का अपच से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है हमारा, डी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। आई नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, ठीक है। याद देखिएगा जो एक कह सकते हैं कि गुड जो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 है दैट इज 0.03%, अगर इतना है तो फिक्स अच्छा है, और इससे अगर कम होता है ज्यादा होता है दोनों ही हार्मफुल होता है, ठीक है। तो याद देखिएगा 0.03% इज गुड, और इसमें चल क्या रहा है 0.04 है जो कि बहुत ही हार्मफुल है। जब ये गैसेस जब आपको पता है जब CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपके जो तो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो CO2 होता है ये मेन गैस होती है किसके लिए, आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस जब CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस गैस है, तो जो भी हीट आएगी इसको ट्रैप करेगा, जब ट्रैप करेगा पूरा टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, तो एक टाइम आएगा ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो फिर बहुत सी डिजीज होंगी, बाढ़ आएगी। तो कौन से रिस्पॉन्सिबल हमारे CO2, उसका कंसंट्रेशन, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, अगर 0.03 है तो दैट विल बी गुड फॉर द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है देखना है, पर्यावरण दिवस सबको रट्टा मार के बैठे हैं सब लोग कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे उनका 5 जून को है, अर्थ डे पृथ्वी दिवस बिल्कुल हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, ये भी बिल्कुल सही है, तंबाकू निषेध दिवस ये थोड़ा डाउट वाला, रुक जाइए, टोजोन नहीं होता ओजोन होता है, जो ओजोन दिवस 16 सितंबर, मतलब तीन ऑप्शन सही, तो गलत कौन सा, यही होगा ठीक है, कौन सा गलत होगा हमारा, यही ऑप्शन गलत होगा। और हाँ, तंबाकू दिवस जो होता है वो मनाया जाता है अबाउट 30 मई, हर साल जो 30 31 मई होता है उस दिन हमारा तंबाकू दिवस मनाया जाता है, गलत कौन सा है, तंबाकू दिवस, मान लिया आपको नहीं भी पता था सपोज के लिए, तो ये सारे पता ही थे, इससे हम यहाँ से कोलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इसको मैक्सिमम मतलब अधिकतम पूछा रहा है, सबसे अधिक किससे संकट है, ये पहला कह रहा है प्राकृतिक निवास तथा वनस्पतियों के विनाश से, बिल्कुल भाई जैव विविधता का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में जब बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म उनके स्पीसीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, उसको जैव विविधता कहते हैं ठीक है। अब प्राकृतिक जैव विविधता याद रखिए कि जैसे हम इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर में जो आपकी ये सॉरी जो अर्थ में जो इक्वेटर है जिसको भूमध्य सागर रेखा कहते हैं, इसके जो 10 10 आप कह सकते हैं नॉर्थ और 10 साउथ, इनमें बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हीट इसके पास हीट बहुत ज्यादा, हीट बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होगी, बारिश जब ज्यादा होगी अबाउट 200 डिग्री तक बारिश होती है यहाँ पे, जब सेंटीमीटर तक, जब यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होगी, जहाँ बारिश ज्यादा होगी हीट भी ज्यादा है, तो वहाँ बहुत ज्यादा वनस्पतियां ग्रो करेंगी, जब वनस्पतियां वहाँ ग्रो करेंगी तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी ठीक है। इस बात का देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक निवास तथा वनस्पतियों के विनाश से, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब जंगल कटेंगे तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी तो कम से कम होगी ना, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सही लग रहा है। कह रहा है अनुपयुक्त खेती क्रिया कृषि क्रियाओं से, बिल्कुल भाई, मान लीजिए कि अब जो हमारी खेती की क्रिया है, कभी कुछ और बो रहे हैं कभी कुछ और, वो कोई फिक्स नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा खाद डाल रहा है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डाल रहा है ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो तो उनका तो विनाश होगा ना, तो ये भी हमारा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से, बिल्कुल भाई, जलवायु परिवर्तन होगा, हीट बढ़ेगी तो बहुत से जैसे ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रो करना है उस एरिया में उस टाइम में, जैसे इलायची, आपको पता है इलायची हमारे साउथ में होती है ठीक है, अब उसको अगर हम सोचे कि हम लाके यूपी या बिहार में लगाते, तो नहीं होगा वो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट चाहिए वो इस हमारे एरिया में नहीं अवेलेबल है। इसी तरह अगर जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा तो वो बायोडाइवर्सिटी उस ऑर्गेनिज्म के लिए, जिस ऑर्गेनिज्म को वहाँ जो उसकी स्पेसिफिक इंसिटू है वो तो उसको नहीं मिलेगा ना, तो फिर ये भी जलवायु परिवर्तन से भी जैव विविधता को हानि होगी। जल प्रदूषण, बिल्कुल भाई, अगर जल प्रदूषित है भाई, अगर वाटर ही आपका कंटामिनेटेड है तो फिर प्लांट एब्जॉर्ब क्या करेगा, तो ये भी सही है, चार ऑप्शन तो सही है भाई। हाँ तो पूछा इसमें अधिकतम संकट किससे, तो अधिकतम संकट किससे, प्राकृतिक आवास से होगा, क्योंकि आपको पता है भाई सब चीज़ तो थोड़ा बहुत चल जाए, प्राकृतिक आवास में आपके अनुपयुक्त कृषि क्रियाएं भी आ जाएंगी, जलवायु परिवर्तन भी आ जाएगा, ये अगर आपका प्राकृतिक आवास ही खराब है तो फिर जैविकता होगी कहाँ, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक देखिए जलवायु परिवर्तन के निम्न में से कौन से प्रमुख कारक है, कारक सारे के मेन देखने हैं। पहला कह रहा है जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल फिक्स है भाई, जीवाश्मिक ईंधन जिसमें आपका डीजल आ जाएगा, डीजल पेट्रोल ठीक है, फिर आपका सीएनजी सारी चीजें गैस, इसके साथ कोयला, सबसे मेन कोयला मैं बोल रहा था, कोयला, ये सारे के सारे भाई बहुत ज्यादा जलाएंगे तो इनसे CO2 निकलेगा, जब CO2 निकलेगा तो भाई SCO2 निकलेगा, SO2 निकलेगा तो भाई जलवायु परिवर्तन तो करेंगे, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा अच्छा सर कूट वाला है, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ऑब्वियस सी बात है भाई, तेल चालित जैसे कार आ गई, पेट्रोल कार हो गई, डीजल से चलने वाली कार हो गई, ट्रेनें हो गई, जो डीजल या पेट्रोल से चल रही हैं, तो अगर उनकी संख्या बढ़ेगी, जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा, और जब पॉल्यूशन बढ़ेगा जलवायु परिवर्तन भी होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही, दोनों ऑप्शन सही लग रहा है भाई। सौर दत्तक, नहीं, सोलर फाइल्स, इससे कोई अभी तक कोई कुछ पता ही नहीं लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो भाई सन के अंदर है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अत्यधिक वनोन्मूलन, हाँ अगर वन का उन्मूलन बहुत ज्यादा होगा तो भी भाई जलवायु परिवर्तन होगा, तीन ऑप्शन सही है, 1 2 4 सॉरी 1 2 4 1 2 4 1 2, ये तो होगा, हाँ ये ऑप्शन बी सही होगा। इसको देखिए, जैसे देखिए अगर जो प्रदूषण जलवायु जो परिवर्तन होता है दो कारण होते हैं, मेनी कारण समझिए, कार्बन की कमी से, या तो कार्बन को कम कर दीजिए या कार्बन को एक्सेस कर दीजिए, इन दोनों से ही जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन को अगर हम एक्सेस करते हैं, जैसे एक्सेस कैसे कार्बन होगा, एक्सेस होगा मान लीजिए हम खूब ज्यादा हम कह सकते हैं पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं ठीक है, हाइड्रोजन कुछ भी हम चला, जैसे कार्बन की अगर सांद्रता बढ़ेगी, जब कार्बन की सांद्रता बढ़ेगी तो
तो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ेगा। अगर CO2 बढ़ गया तो आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करेगा, ये ग्रीन हाउस सॉरी ये हीट को ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करेगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो आपको पता है बाढ़ भुखमरी बहुत सी चीजें आएंगी। तो पहला तरीका क्या है कि भाई इसको हम एक्सेस ना होने दें, अगर एक्सेस हो रहा है तो वो हार्मफुल है, और एक्सेस किससे हो रहा है, हमारा अत्यधिक ईंधन जला रहा है या फिर हम तेल चालित से करा रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है कि हम जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिज्म, कौन एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे पौधे। पौधे कैसे करते हैं भाई, आपको पता है ना कि वो CO2 का ही भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो जो उसको एब्जॉर्ब करने वाले हैं उस कार्बन को, एक्सेस अगर कार्बन एक्सेस यहाँ से हो रहा है, और अगर उसको ये जो प्लांट्स अगर उसको एब्जॉर्ब कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट अगर जो उनको एब्जॉर्ब करने वाले अगर उनकी भी संख्या कम हो गई, उनकी मतलब पेड़ बहुत ज्यादा थे जो उसको एब्जॉर्ब कर लेते, पेड़ों की संख्या कम हो गई और उनकी संख्या बढ़ गई तो भाई इम्बैलेंस हो जाएगा ना, तो CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा ही होगा। इसलिए याद रखोगा आपको कि वन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और जो अमेजन वन होते हैं उनको क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो CO2 मैक्सिमम अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है लेकिन नहीं है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल बेधान के खेतों में मिलता है, दौड़ के मिलता है, सबको पता ही है। फिर कह रहा है राइजोबियम लेग्यूमिनेसलोरम, ठीक है, लेग्यूम से समझ जाए, जब भी लेग्यूम आ जाएगा तो समझ जाए कि ये कहीं ना कहीं दाल वाली फसलों में लग रहा है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसलोरम सही बात है, ये आपके मटर के पौधों में मिलती है। मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, याद देखिए बहुत बार पूछा है ये, पाइसम सटाइवम। और जो मेंडल साहब थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, उन्होंने पाइसम सटाइवम पे ही अपना वर्क किया था। नेक्स्ट कह रहा है एजाइट्रोबैक्टर गेहूं, बिल्कुल एजाइट्रो जो आपका एजाइट्रोबैक्टर होता है ये गेहूं के खेतों में मिलता है, जो कि उसके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। एजोला, एजोला का कोई मक्के में भी नहीं मिला, ये ऑप्शन गलत है, एजोला का बहुत ज्यादा यूज अभी मक्के में नहीं मिला है, ठीक है। एजोला भी मिलता है वो धान के खेतों में मिलता है, ठीक है, जो उसके नाइट्रोजन कमी को पूरा करता है। ऑप्शन कौन सा गलत, हमारा डी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, ठीक है। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि प्लांट्स ज्यादा ग्रो किए हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, रेगिस्तानी वन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे गलत हो जाएंगे। कैसा है देखिए, आपको पता है जो थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, हमारी अर्थ हो गई, अर्थ में हमारी ये क्या है, ये लाइन हमारी कौन सी, इक्वेटर लाइन है। आपको पता है इक्वेटर में, अब ये इक्वेटर में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यहाँ पे सन की डायरेक्ट हीट पहुंचेगी। जब सन की डायरेक्ट हीट पहुंचेगी तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो आपको पता है प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होगी। जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे पानी ज्यादा मिलेगा और हीट भी मिलेगी, तो यहाँ बहुत ज्यादा वनस्पतियां ग्रो करेंगी। जब वनस्पतियां ज्यादा ग्रो करेंगी तो वहां पे जैविक पदार्थ अधिकतम मात्रा में होगा। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहां पे जैविक, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शीतोष्ण क्यों भाई, शीतोष्ण बिल्कुल इधर है, वहां भाई जहां पे उतना हीट ही नहीं है तो वहां कैसे जनरेट होगा, तो गलत हो जाएगा। रेगिस्तानी है, रेगिस्तान को बहुत समझ सकते हैं, जहां पे सारा होगा डिजर्ट, मंगोलिया ले लिया, कुछ होगा क्या। उष्णकटिबंधीय पतझड़, पतझड़ वन, जिसके बारे में पतझड़ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया, 1972, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये देखिए वन संरक्षण अधिनियम है और दो अधिनियम है, कंफ्यूज में भी हो रहा था, ठीक है। एक होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आपको याद होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो तो 1972 वाला है, और ये क्या बोल रहा है हमसे, वन संरक्षण अधिनियम। तो ये हमारा क्या होता है, 1980 में जो वन संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था, 1980 में, याद रखिएगा इस बात को, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, अक्सर लोगों का गलत हुआ होगा, ठीक है। जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में आया है, और जब सॉरी हाँ वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, जब वन जीव संरक्षण अधिनियम आया तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, वो 72 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और जब पर्यावरण बोलता तो 86 हो जाता, ठीक है। खैर निम्न सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित किया था, सूची को नीचे देखा कुछ सम्मिलित करिए, ठीक है। आइए मिलाते हैं, अरे भैया आइए कोशिश करते हैं, चलिए ठीक है। क्या हमें आता है पहले उसको हम देख लेते हैं। आपको पता है शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही लगा। आपको पता है कि भाई हिमाचल में बर्फ ज्यादा पड़ती है तो वहां पर तो ऐसे पेड़ मिलेंगे ना जो कि क्या करेंगे, इसमें बर्फ गिरे और वो गिर जाए, इसलिए हिमाचल वगैरह के घरों को भी देखेंगे आप, हिमाचल ही नहीं जहाँ पे भी हिल होते हैं उनके घरों को ऐसा बनाया जाता है ताकि बर्फ गिरे और नीचे गिर जाए। रशिया वगैरह देख लीजिए, बर्फ अगर इसके ऊपर गिरती है तो आराम से नीचे वो ढल जाए, और हमारी जिस तरह यूपी बिहार में जिस तरह या दिल्ली वगैरह में जिस तरह होता है, अगर इस तरह घर बना दिया जाए जिस तरह सपाट बिल्कुल, तो बर्फ गिरेगी तो भाई इतना ज्यादा वेट होता है कि पूरा छत ही गिर जाएगी, इसलिए ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो जो शंकुधारी वन है वो हिमाचल में मिलेंगे, क्योंकि बर्फ वगैरह है और कहीं तो बर्फ वाला कोई है नहीं। तो बी का दो किस में क्या है, बी का दो इसमें है, इसमें है, तो दो ऑप्शन तो पहले हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसमें से, अब आपको पता है पतझड़ वन, पतझड़ वन कहाँ होंगे भाई, जहाँ पत्ते
एक कच्छ वनस्पति है कि हाँ पतझड़ वन कहाँ होंगे, कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति मैनग्रोव, मैनग्रोव कहाँ मिलता है भाई, सुंदर वन में मिलेंगे या फिर लक्षद्वीप की तरफ मिलेंगे। तो मैनग्रोव कहाँ मिलेंगे आपको पता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सुंदरवन डेल्टा मतलब कक्ष वनस्पति वहीं पे मिलता है। तो सी का एक, सी का एक किसमें है, सी का एक मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है, फिर भी हम और देख लेते हैं ठीक है। चलिए उष्ण कटिबंधी वन, आपको पता है उष्ण कटिबंधी वन सबसे कहाँ मिलते हैं, साइलेंट वैली में मिलते हैं। तुम्हारा बचा क्या है, पतझड़ वन, आप जैसे बबूल हो गया, बेर हो गया, नागफनी हो गया ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं हमारे, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे ठीक। चलिए आइए देखिए कैसे हम इलिमिनेट कर रहे धीरे धीरे ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब, स्थापना है तो याद रखिएगा, रानी झांसी जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क था इसकी स्थापना जो 1996 में हुई थी। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है ठीक है, क्योंकि कौन इतना याद रखेगा यार ठीक है। हाँ जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ठीक है। आई नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित इंद्रों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कर, न्यूनतम मतलब कम से कम, डीजल दबा करेगा, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल कोयला तीनों करेगा, हाइड्रोजन नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में भाई कोयल आपका हाइड्रोजन एक तो बहुत ज्यादा ईंधन यूज होता नहीं है, और आपका हाइड्रोजन जलाएंगे तो क्या निकलेगा, सबसे हाइड्रोजन तो निकलेगा, तो इसलिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा ठीक है। और याद रखिएगा जो भी अभी अभी तक फ्यूल है, जो भी ईंधन है, उसमें एक टर्म होता है कैलोरीफिक वैल्यू, क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मण यान, ऐसे कुछ बोलते हैं ऊष्मण यान, ऐसे एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो सबसे अधिक हाइड्रोजन की होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि अगर 1 ग्राम अगर हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो जो उससे मैक्सिमम एनर्जी उत्पन्न उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अभी तक जो भी ईंधन उसमें सबसे अधिक है ठीक है। चलिए